Jump. नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा तो है मैं बात करेंगे कलह के सुर और एकता का राग की। कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस को अब अपनी ही अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। दो सांसदों से शुरू हुई भाजपा अब सबसे मजबूत सरकार बनकर उभरी है। उसे हराने के लिए कांग्रेस को दूसरे दलों को भी एकजुट करना पड़ रहा है। आखिर कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों बनी? ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्यों कांग्रेस अपने ही नेताओं का विश्वास खोती जा रही है? पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरें क्या सामने आती रहती हैं? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जनता का विश्वास खोकर कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई कांग्रेस अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चेबंदी शुरू कर चुकी है। 2024 में मोदी लहर से बचने के लिए कांग्रेस देश भर के विपक्षी पार्टियों को एकत्रित कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को 18 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक कोर ग्रुप बनाने तक का सुझाव दे दिया। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि मोदी की विचारधारा से लड़ने के लिए दूसरे विचारधाराओं को एक होना पड़ेगा। आज किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है और देश के जो कूटनीति है वो सारी की सारी आज खतरे में है। इसलिए ये आवश्यक है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को परास्त करना है और एक गांधीवादी मानसिकता को वापस इस देश में, लोकतांत्रिक मानसिकता को इस देश में स्थापित करना है। और माननीय सोनिया गांधी जी का ये जो कदम है, ये कदम उसी से संबंधित है। मीटिंग में सोनिया गांधी भले ही एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने की बात कह रही हो, लेकिन कांग्रेस का दूसरे दलों पर भरोसा दिखाना कहीं ना कहीं उसके मौजूदा हालातों को बयां कर रहा है। ऐसे में इस सवाल को और भी मजबूती मिलती है कि क्या कांग्रेस अब पहले जैसी सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही? क्या कांग्रेस अपने टूटते घर को दूसरे विपक्षी दलों के सहारे जोड़ने की कोशिश कर रही है? ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी कांग्रेस खुद ही है। कुछ ही दिन पहले पार्टी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में डिनर पार्टी बुलाई थी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी को छोड़कर बाकी सभी बड़े नेता शामिल हुए। इस डिनर पार्टी के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई थी। वही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ की तस्वीर भी दिल्ली कांग्रेस की तरह ही बिखरी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी केवल एक ही चेहरा दिखाई देता है और वो है कमलनाथ का। प्रदेश कांग्रेस के बड़े आयोजनों में अक्सर पार्टी नेताओं के बीच विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली हाईकमान, कांग्रेस दोनों ही जगहों पर कमजोर नजर आ रही है। वही अपनी पार्टी को छोड़कर विपक्ष को जोड़ने में लगी सोनिया गांधी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है और कांग्रेस के अस्तित्व और विचारधारा पर भी सवाल खड़े कर दिए। आजकल मैडम को विपक्षी एकता याद आ रही है, जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना अस्तित्व है, ना विचार है, ना धारा है। अध्यक्ष तो कांग्रेस अपना बना नहीं पा रही है। क्या कांग्रेस के पास? खाने को नहीं है दाने, परिवार मोह में अंधी कांग्रेस दिशा भ्रष्ट हो गई है। और कांग्रेस तो ऐसी नाव हो गई है कि खुद तो डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पांच राज्यों तक सिमटी कांग्रेस अब एक बार फिर
जनता का विश्वास जीतने की कोशिश में लग गई है। आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस नई कसावट के साथ अन्य दलों का भी समर्थन जुटाने की कवायद में लग गई है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस दूसरे दलों के साथ अपनी पार्टी को कैसे मजबूत बनाती है, कांग्रेस पार्टी के अंदर उठते कलह के सुरों को कैसे दबा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनंत टीवी, भोपाल। कलह के सुर, एकता का राग, क्या कांग्रेस अपने घर में मची कलह से पार पा चुकी है? इस एकता से वो फिर सत्ता में वापसी आ सकती है क्या, या फिर भाजपा को उसकी एकता और एकजुट जो गठबंधन हो रहे हैं, गठजोड़ हो रहे हैं अन्य दलों से, उससे चिंता हो रही? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता सनवर पटेल, कांग्रेस के देवाशीष जरारिया और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शुक्ला जी आपसे ही करते हैं जी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस उठ खड़ी हुई है, जो अंदरूनी कलह थी उसकी उससे पार पा लिया उसने, अब बाकी के दलों को एकजुट करके मोर्चा खोलेगी और भाजपा से मुकाबला करेगी, मोदी सरकार से मुकाबला करेगी? मुश्किल दौर है कांग्रेस के लिए, और जैसा आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आपने बताया भी कि किस तरह से वो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है, तो वैसे भी विधानसभा चुनाव में उसने कई जगह गठबंधन किए हैं, उत्तर प्रदेश में उसने सपा के साथ गठबंधन किया, तो बिहार के चुनाव में वो मध्य प्रदेश में भी समर्थन लिया था बसपा से, सपा से, और बसपा जैसे भी गठबंधन किया था, अलावा को टिकट दिया था, लेकिन अब वो भी नाराज चल रहे हैं और जिनसे गठबंधन किया था वो भी गायब है, इधर समर्थन दे रहे हैं। देखिए, कोई जिताऊ चेहरा कांग्रेस के पास में नहीं है, और ले देकर एक चेहरा जो कहीं थोड़ा सा नजर भी आता है तो नेपथ्य में है, प्रियंका है, और जब तक ये आवाज भी उठती रहती है, आज शून्या का आकर्षण समाप्त हो गया है। विदेशी मूल का एक जो नारा उस समय बीजेपी ने दिया था वो बीजेपी को ही भारी पड़ा था, और कहीं सहानुभूति की एक लहर जो है शून्या के पक्ष में गई थी, और 2004 में कामयाबी मिली थी जिसके बाद में यूपीए की सरकार बनी थी, हालांकि शून्या प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। और एक चीज मैं आपको और बतला दूं, एकता अखंडता की बात करने वाली कांग्रेस जो है उसमें जब तब इस तरह से कलह उठती रही है, अगर आपको ध्यान हो तो इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस दो फांक हुई थी, इंडिकेट और सिंडिकेट बना था, वो ब्रह्मानंद रेड्डी कामराज का एक टूट अलग हुआ था, और इंदिरा कांग्रेस के बहुत सारे टुकड़े हुए हों अशोक जी, लेकिन उठ के खड़ी तो होती रही है बार बार। वो देखिए, जो बहुदलीय राजनीति हम जो अपने हिंदुस्तान में देखते हैं और मध्य प्रदेश में, तो यही दो दलीय राजनीति है, यहाँ तो तीसरा दल भी नहीं है, तीसरा कोई मोर्चा भी नहीं है। तो अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप ये बात करते हैं तो अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत कमजोर नहीं है, ये ठीक है कि वो सत्ता से बाहर है, लेकिन 2018 में उसने वापसी की थी, और अभी हाल में दमोह के उपचुनाव में उसने बीजेपी को पटकनी भी दी है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर ये बात है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी बहुत कमजोर नहीं, अंतर्कलह के शिकार जरूर है, और अभी जो चार उपचुनाव होने हैं उनको लेकर जिस तरह से हम लोग सर फुटवल कांग्रेस के भीतर देख रहे हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले तो है ही। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं सोनिया गांधी फ्रंट पे आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, अन्य राज्यों में जो कलह है उससे भी पार पा लेंगी वो? क्योंकि संसद में हमने देखा है राहुल गांधी ने फ्रंट संभाला था और सब पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया था, अब संसद के बाहर भी एकजुटता दिख रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को सोचना तो पड़ेगा, चिंता करने की जरूरत तो है, भले ही शिवराज जी कह रहे हो कि चिंता होने की जरूरत। कांग्रेस की जो अंतर कलह है उससे अगर सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न होता है तो वो बीजेपी है, और बीजेपी लगातार कांग्रेस पे हमला बढ़ रही है। राहुल एक बड़ा चेहरा नहीं है, मोदी के सामने तो राहुल गांधी कहीं टिकते भी नहीं है, लेकिन पिछले 19 के चुनाव में भी देखिए कहीं जो है बीजेपी ने कोशिश की थी कि पूरा चुनाव जो है राहुल गांधी बनाम और मोदी हो जाए, जाहिर था कि मोदी जी बढ़त ले लेंगे और मोदी जी को बढ़त मिली। तो अगर अभी सोनिया फ्रंट पे आगे आ रही तो सोनिया बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, सोनिया ऐसा चमकदार चेहरा नहीं है कि जिसके नाम पर देश की जनता जो है, जैसे मोदी जी की लोकप्रियता है उसके मुकाबले अगर आप कहीं जाकर तो सोनिया जी की लोकप्रियता देखें तो मुझे नहीं लगता कि सोनिया जी उतनी लोकप्रिय है। ठीक है, वो अपने पार्टी के भीतर उनका एक दबदबा है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है परिवारवाद का शिकार रही है, और आप देखिए लंबे समय से जो है एक ही परिवार का यहाँ पे जो है अधिपत्य रहा है, मैं तो ये कहूँगा अधिपत्य रहा है, और वो अधिपत्य अभी भी दिख रहा है, सोनिया जी उस पद को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये परिवार भले राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन आज भी अध्यक्ष पद जो है कहीं वही टिका हुआ है, वही बना हुआ है, तो कांग्रेस की बड़ी विचित्र स्थिति।
पटेल साहब, क्या वाकई में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है? जिस तरह से 19 दल एकजुट हुए हैं और 101 देखने को मिला, इससे पहले भी बैठकें हुई हैं, ममता बनर्जी ने की हैं बैठकें, लेकिन अब सोनिया गांधी खुद मोर्चा संभाल रही हैं, कितना आपको लग रहा है चुनौती? देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जो हैं, मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। कांग्रेस कहीं चुनौती नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है, राष्ट्र के लिए कार्य करने का कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं। रही बात 19 राजनीतिक दलों को इकट्ठा करने की, तो 2019 में भी आपको ध्यान है कि उन्होंने 24 राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया था, लेकिन वो 24 राजनीतिक दल मिलकर क्या परिणाम लाए? जिनकी सबकी नीयत नहीं है, जिनके पास कोई विचार नहीं है, उनके पास एक ही विचार है, किसी प्रकार से हम सत्ता में आ जाए, हमको जनहितैषी कामों से कोई लेना देना नहीं, भारत क्या चाहता है, भारत की मूल भावना क्या है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम सब मिलाकर 44 सबको साथ कर सारा वोट परसेंटेज शेयर करके और 2014 में 44 सीटें ला पाए, 2019 में 52 सीटें ला पाए, और आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए कि 2014 में 282 सीटें, फिर 2019 में इंडिविजुअल 303 सीटें, कहीं से कहीं तक कोई मेल। पटेल साहब, अब मध्य प्रदेश में आ जाएं, उन्हीं बसपा और सपा के समर्थन ने उन्हें सरकार बना ली थी और आपको बाहर कर दिया था 15 माह। देखिए, ये क्या है, अवसरवादिता ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, जब आपके विचार ही एक नहीं है, जब आपकी नियत साफ नहीं है, सिर्फ आप सत्ता के लिए आप बैठे हो, तो आप कितने दिन तक बैठ पाओगे, कितने दिन तक झूठ बोल पाओगे, कितने दिन तक मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को आप झूठ बोल पाओगे? आखिर में यह हुआ कि उपचुनाव हुए और उपचुनाव के अंदर 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मिली और आज 126 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर और सरकार चला रही है। सम्माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जनहितैषी काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जनता के लिए योजनाएं ला रहे हैं। आप देखिए वेंडर योजना, 50,000 रुपए वेंडरों को दिए जा रहे हैं। आप देखिए ग्वालियर और शाहपुर और शिवपुरी में जिस तरह से पानी की अति वर्षा हुई है, उस पानी की अति वर्षा के बाद 7 दिन पहले का शोपुर और 7 दिन बाद का शोपुर देख लीजिए। ये रात दिन जो लोग काम करते हैं, अंत्योदय का ध्येय लेकर जो काम करते हैं, एकात्म मानववाद का नारा लेकर जो काम करते हैं, समाज की पंक्ति में आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे विकास करें, अति वर्षा के बाद भी जब त्राही माम बच गया 30% घर। लेकिन पटेल साहब, ये मत भूलो कि बहुत कम अंतर है आपकी और उनकी संख्या में मध्य प्रदेश में। देवाशीष जी, क्या सिर्फ सत्ता के लिए एक हो रहे हैं आप लोग और कुछ नहीं होगा? मतलब प्रदेश में आप संभाल नहीं पाए, अपने ही दल के लोगों को नहीं संभाल पाए, वो टूट कर चले गए, बसपा आपसे जुड़ी वो छिटक गई, सपा आपसे जुड़ी वो छिटक गई, जैस आपसे नाराज है, खंडवा में चुनाव लड़ने के लिए बात कर रही है और बाकी जो अन्य उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा को उनमें भी खड़ा करने की बात कर रही है। जी, क्या वो ठीक है कि नहीं? देखिए, हर राजनीतिक दल का ये राइट होता है कि वो अपनी राजनीतिक शक्ति का आनंद करे और उसकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी वो गठबंधन कर सकता है। आज देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके राजनीतिक गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को 303 सीटें लेकर अपने आप को सूरमा साबित करने का प्रयास कर रही है, उसके भी तमाम दलों से राजनीतिक गठबंधन है। ऐसा कौन सा राज्य जिसमें उसका राजनीतिक गठबंधन नहीं है? बताइए, बिहार में क्या उसका राजनीतिक गठबंधन नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या उसके राजनीतिक गठबंधन नहीं है? पंजाब में क्या राजनीतिक गठबंधन सरकार नहीं लाती बनाती दे रही है? हरियाणा में क्या उसने राजनीतिक गठबंधन करके सरकार नहीं बनाई? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर? लेकिन देवाशीष जी, उनमें और उनमें, आप में और उनमें अंतर तो दिख रहा है। वो जहाँ जहाँ गठबंधन करते हैं वहां जो उनसे गठबंधन करता है वो कमजोर हो जाता है, वो मजबूत हो जाते हैं, और आप जिनसे गठबंधन करते हो वो पावरफुल हो जाते हैं और आप धीरे धीरे सिमटते चले जाते हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले भारतीय जनता पार्टी बसपा से गठबंधन करके सरकार गवा चुकी है, उसके बाद 15 साल तक सरकार से बाहर रही। भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहते रहे हम बीएसपी के साथ गठबंधन करके कमजोर पड़े। तो राजनीतिक परिस्थितियां जिस हिसाब से होती है, समय चक्र है, समय चक्र के हिसाब से परिस्थितियां निर्मित होती है और उसके हिसाब से राजनीतिक शक्ति बढ़ती और घटती रहती है। रही बात ये कहने की विपक्षी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, आप कहां है, आप कहां दी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुद्दा इस देश में मुद्दा नहीं है। आप जहां हाथ डाल दीजिए इस देश में वहां मुद्दा है। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है?
क्या बढ़ती महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या आंतरिक सुरक्षा मुद्दा नहीं है? लेकिन आप वो मुद्दों को भुना कहां पा रहे हैं ना, मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप वो मुद्दे उठा पा रहे हैं ना, लोकसभा में संसद में वो मुद्दे उठा पा रहे हैं ना, उनकी जमीन पर लड़ाई लड़ पा रहे हैं। मुद्दे तो हैं लेकिन कांग्रेस कहां है मुद्दों के साथ? कांग्रेस जनता के साथ में, कांग्रेस मुद्दों के साथ में कहां बनी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र 4 दिन के लिए आउट होना था, इन्होंने दूसरे दिन ही खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? किससे डर था? क्या विपक्ष का भय नहीं था? उस दिन जिस दिन सत्र आहूत हो रहा था, उस दिन हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे थे, यूथ कांग्रेस विधानसभा घेराव कर रही थी, सत्र कैंसिल कर दिया। संसद में बात आई डिबेट की कि हमको महंगाई पे चर्चा करनी है, पेगासस मुद्दे और आंतरिक सुरक्षा पे चर्चा करनी है, चीन के मुद्दे पर चर्चा करनी है, बढ़ती महंगाई मुद्दे पर चर्चा, क्या सरकार ने चर्चा होने दी? पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं होने दी और संसद भी भेंट चढ़ गई हंगामे की, संसद में भी चर्चा नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में देवाशीष जी, आपने उनके मंत्रियों को, आपने उनके मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया तो देखिए आप पूरे देश में उतर गए, वो परिचय करा रहे, तो आप भी पूरे देश में उतरिए ना ये मुद्दों को लेकर। यदि मध्य प्रदेश में विधानसभा नहीं चलने दिए तो आप वो मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरिए, सारे प्रदेश में आंदोलन करिए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। आपके चैनल ने ही दिखाया कि कांग्रेस आंदोलन है, आपके चैनल ही दिखा रहे थे जिस दिन लोग लाठी खा रहे थे। अभी परसों आंदोलन हुआ, बेरोजगार का आंदोलन हुआ, उसमें लाठी चलाई, आंदोलन कहां नहीं हो रहे सरकार, कांग्रेस कहां थी? आंदोलन हर जगह आंदोलन, कांग्रेस इस आंदोलन में तो कांग्रेस दूसरे आंदोलन में रहती है, कांग्रेस स्वयं आंदोलन कर रही है, कितने तो आंदोलन कर दिए, मैं आपको गिना देता हूँ। 9 तारीख को कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, 11 तारीख को आंदोलन कर रही थी। सोनिया जी ने आप सभी दलों से मिलकर बैठक करके जो रणनीति बनाई है कि आगे जाके आंदोलन करेंगे, सब एक साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, तब आंदोलन दिखेगा। भोपाल में आप एक दिन आंदोलन करके गायब हो जाते हो, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तमाम स्तर पर आंदोलन कर सकते हो आप। देखिये ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि परसेप्शन किस परसेप्शन में जी रहे हैं। कांग्रेस हर मुद्दे पर आंदोलन कर रही है, महंगाई के मुद्दे पर, ब्लॉक ब्लॉक, मेरे स्वयं के ब्लॉकों में आने को आंदोलन होंगे डेली, हर दूसरे तीसरे दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन होता रहता है। मैं तो ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ, यहीं से सिंधिया जी आते हैं, या तो हर दूसरे दिन आंदोलन होता है। देखिये दिक्कत ये है कि विपक्ष को जानबूझ के फ्रेम से गायब किया जा रहा है, विपक्ष को जानबूझ के फिल्म से गायब किया जा रहा है। कौन गायब कर रहा है? स्क्रीन पे आप बैठो, स्क्रीन पे बैठ के स्क्रीन की कह रहे हो कि गायब किया जा रहा है, आपका आंदोलन होता है, कौन नहीं दिखाता? चलिए पटेल साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं, पटेल साहब परसेप्शन बना है, स्क्रीन से गायब किया जा रहा है, इन लोगों को आरोप लगा रहे हैं। देवाशीष भाई हमारे काबिल साथी हैं, देवाशीष भाई, मैं देवाशीष भाई से भी निवेदन करना चाहता हूं, 19 दलों को जोड़कर आप के खराब परिणाम आने वाले हैं। देवाशीष भाई, कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं बना पाती, अपना अध्यक्ष नहीं बना पाती कांग्रेस, जो जो कांग्रेस में लोकतंत्र की बात करे, डेमोक्रेसी की बात करे, उसको कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कांग्रेस एक घराने की पार्टी, कांग्रेस एक घराने की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम जन की पार्टी। अच्छा मुझे मैं पटेल साहब आपकी आवाज में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज में तकनीकी कारणों से, पटेल साहब हम आपके पास लौटेंगे। देवाशीष जी आप कांग्रेस जिस तरह से, हमने शिवराज जी को भी सुन रहे थे अभी, पटेल साहब को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आप अपना अध्यक्ष तो चयन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, और बाहर वालों से एकता कर रहे हो, तो अंतर कलह तो पहले दूर कर लो, पहले घर तो दुरुस्त कर लो। देखिए कांग्रेस पार्टी में कोई कलह नहीं है, पहली बात जी। पटेल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, पटेल साहब आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। जरारिया जी पहली बात तो पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में नहीं है कि वहां दो लोगों का राज हो, एक बोलता हो, एक उसको ऑर्डर फॉलो कराता हो, बाकी सब फॉलो करते हो, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। कांग्रेस प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सबको बात करने का अवसर मिलता है, सबको बात करने का अधिकार है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी में अगर परिवारवाद होता, जो कि चर्चा चल रही है, आप बार बार आरोप लगाते रहे, तो राहुल गांधी जी ने अपने पद क्यों छोड़ दिए? वो जब चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की कमान ले सकते हैं, तो दूसरे को क्यों नहीं दी?
देखिए दूसरे को क्यों नहीं दी कमान, आज तक कोई लेने वाला नहीं है, जीते इसके नेता चिल्ला चिल्ला के चले गए। नहीं तो आप जब चुनाव होगा तब निकल के आए, किसने रोक दिया है बताइए, किसको रोका है? जो चुनाव लड़ना चाहता है आइए, चुनाव लड़ने वालों का स्वागत है, जिसको अध्यक्ष बनना है। लेकिन दिक्कत ये है कि पार्टी को एकजुट कौन रख सकता है? ज्यादातर क्या कहते हैं कांग्रेस नेताओं का, पूरे देश में कांग्रेस के नेता जो है, जो भी अलग अलग स्टेट संभाल रहे, उन सबका सार है, सबका जो भावना है वो गांधी परिवार में निहित है। इसलिए सबने निवेदन किया कि सोनिया गांधी जी आप अध्यक्ष पद संभाल लीजिए, तो कार्यकारी अध्यक्ष। बीच में चुनाव होने थे लेकिन लेकिन क्या कहते हैं कोरोना की वजह से चुनाव टल गए। हम जल्दी देख लेंगे, इसमें भी चेंज होने वाला है, राष्ट्रीय स्तर पे भी चेंज हो जाएगा, आपको नया अध्यक्ष भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जगह उपचुनाव हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस के चुनाव टल गए। शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है और गांधी परिवार के इतर यदि हम सोचें तो कांग्रेस रह सकती है या सोच सकती है किसी और अध्यक्ष का? शुक्ला जी लगता है फ्रीज हो गए हैं। पटेल साहब, उनके यहाँ लोकतंत्र है, आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ एक ही व्यक्ति बोलता है दूसरा उसका पालन कराता है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं जरारिया जी। पटेल साहब, लगता है तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन 19 दल एकजुट हो रहे हैं, ये एकता पहले भी देखने को मिली है। उम्मीद है कि कांग्रेस फिर एकजुट होगी तो विपक्ष का सही रोल निभा पाएगी। बहरहाल कांग्रेस खुद अपने ही घर में घिरी हुई है, चाहे राजस्थान की बात करें हम, चाहे पंजाब से भी बार बार कलह की बात आती है, हरियाणा से भी आती है, मध्य प्रदेश में तो अपना अध्यक्ष 3 साल में कांग्रेस चुन नहीं पाई है। नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ, यहाँ भी बार बार आती, कभी अजय सिंह के साथ विवाद आता है तो कभी अरुण यादव के साथ विवाद सामने आता है, और ...2024 में ये गठबंधन कितना कारगर होगा। हालांकि एक कमेटी बनाने की बात की है ममता बनर्जी ने, और जो कार्यक्रम बन रहे हैं एकता की बात की जा रही है। इस बैठक में बसपा और सपा को भी बुलाया गया था, ना बसपा से कोई पहुंचा, ना समाजवादी पार्टी से, जबकि पिछले चुनाव विधानसभा के सपा के साथ मिलकर ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लड़ा था। अभी भले ही तय नहीं कर पाई हो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेगी या फिर किसी के गठबंधन के साथ लड़ेगी। पटेल साहब, वो कह रहे हैं उनके यहाँ लोकतंत्र है और आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ एक आदमी आदेश देता है दूसरा पालन कराता है, उनके यहाँ कोई बोल सकता है, बोलने की आजादी है वहां पे। हमारा नेतृत्व और उनके नेतृत्व में अंतर देखिए आप जी, मध्य प्रदेश से लगाकर देश का नेतृत्व देखिए। सम्माननीय विष्णु दत्त शर्मा, बीडी शर्मा जी, वो मुरैना के एक छोटे से गांव से आते हैं जी। शिवराज सिंह चौहान, वो आपके सामने सीहोर जिले के छोटे से गांव से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, ये सब सामान्य परिवार के, ये गांधी परिवार के लोग नहीं है, ये घराने के लोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पहले ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और उसी का परिणाम है कि समर्पण के साथ, जब एक विचार के साथ व्यक्ति काम करता है तो निश्चित रूप से नीतियों पर काम करता है। ना इनके पास नीति है, ना नेता है। मुख्यमंत्री जी को बाहर करने के लिए जो बैठकें चल रही थी, जो अंतर्कलह चल रही थी भाजपा, उस पर भी प्रकाश डाल दी। देखिए देवाशीष जी, उनके यहाँ जो अंतर्कलह चल रही थी वो तो आपके यहाँ भी चल रही। अजय सिंह नाराज है, अरुण यादव नाराज हैं, एक नाराज होकर चले ही गए, आपकी सरकार गिरा के इधर आ गए, तो आपके घर की अंतरकले भी तो है, वो ठीक हो गई क्या? आप इसको लोकतंत्र बता रहे हैं ये अंतरकले को? देखिए लोकतंत्र है, आप देखिए किसी की पर्सनल इच्छा हो कि उसको मंत्री बनना है, अपने नेताओं को मंत्री बनवाना है, ठीक है, महाराज से भाई साहब बनना है, अगर स्वयं की अगर जिज्ञासा उठ जाए और इतना लालच आ जाए, तो लालच की तो कोई परिभाषा है नहीं फिर मानव जाति के लिए, है ना? मानव के लिए लालच की कोई सीमा नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है। लालच, लालच में सरकार गिराई, सम्मान का विषय था महाराज जी। पटेल साहब,
उन्होंने तो सहन नहीं किया, ये सम्मान का विषय था, लालच का विषय नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है जिस पार्टी में व्यक्ति को महाराज की संज्ञा मिलती हो वो तो दूसरी पार्टी में जाके आपको राजतंत्र खत्म हो गए, आप ही बरकरार रखे हुए हो, यहाँ तो लोकतंत्र दिख रहा है ना, तो भाई साहब बन गए वो, तो राजतंत्र किधर दिख रहा है देवासी जी, अपने पाले में बोल कर रहा हो आप। ये तो उनसे पूछिए जिनपे बीत रही होगी जो महाराज से भाई साहब बन गए, उन्हीं को कहलवाना पसंद था महाराज, कहलवाना पसंद। मैं तो वो तो कह रहे थे कि उन्होंने तो साफ कहा है कि वो महाराज कभी नहीं बनना चाहते थे, भाई साहब ही बनना चाह रहे थे, आप लोगों ने महाराज बना रखा था उनको। चुनाव भी लड़ लिया, मैंने तो चुनाव भी लड़ लिया, और मैं तो महाराज आंकड़े को छुआ तो कमलनाथ जी को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया और फिर लगातार उनका अपमान करने का काम किया, तो ये सम्मान का विषय है, उन्होंने सम्मान को चुना और अपमान को छोड़ा है। तो देवासी जी बात वही आ गई कि आपके घर में जो कलह है वो तो आप संभाल नहीं पा रहे हो और बाहर वालों को एक करने चले हो, तो पहले घर तो दुरुस्त कर लो। इस पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं है, हाँ हर घर में दो बर्तन होते हैं तो कुछ हो सकता है बर्तन खटके, बातें होती है, चर्चा होती है, लेकिन पार्टी से बाहर कोई नहीं है। रही बात विपक्ष की एकता का, तो आजकल तो अच्छे अच्छे स्टैंड आने लगे हैं कि बर्तन अलग अलग रख दो आप, खटके ही ना। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि किसी की कोई खटपट ना हो, चर्चा बाहर नहीं आए, जब एक व्यक्ति का शासन हो, डिक्टेटरशिप हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए बहरहाल समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। शुक्ला जी से मैं लास्ट कमेंट्स लेता हूँ। शुक्ला जी, आपको लग रहा है कि ये चुनौती बनेगी भाजपा के लिए, कांग्रेस जो एकता दिख रही है, और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीतिक दलों की एकता कहीं कुछ थोड़ा बहुत असर दिखा सकती है, जैसे अगर कांग्रेस के संदर्भ में बात करें आप, तो कांग्रेस, बसपा, सपा, अन्य दल अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद के जो उपचुनाव हुए थे जिसमें फूलपुर का भी चुनाव था, आपने देखा होगा, वहां पे जो बसपा सपा का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन था उसके चलते, लेकिन जब नेता और नेतृत्व की बात आती है, जब गठबंधन इकट्ठा हो जाता है, जब नेता और नेतृत्व की बात आती है तो इनमें कलह शुरू हो जाती है, तो ये खिचड़ी कितने दिन तक रहेगी, पक पाएगी कि नहीं पक पाएगी, ये ऐसी कच्ची रह जाएगी? बिल्कुल नहीं पकेगी। सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं जी, बसपा की मायावती की अलग महत्वाकांक्षा है, अखिलेश यादव की अलग महत्वाकांक्षा है, कांग्रेस की अपनी प्राथमिकताएं हैं, तो जब आप लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होंगी, भले उद्देश्य ये हो कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन उसके बाद आप देखिए गठबंधन की सरकारें कितनी मुश्किल से चल पाती हैं और कई बार तो नहीं चल पाती हैं। अकेले एनडीए का ही कैसा गठबंधन हम लोग देख रहे हैं जो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 14 वर्षों से चल रहा हो, तो मुझे लगता है कि गठबंधन का धर्म जिस तरह से बीजेपी निभा रही है, कांग्रेस उसको नहीं निभा पाती, और इसी चलते आज मतलब बेमेल का मेल है ये, देखेंगे कितना आगे। देवासी जी समय इजाजत नहीं देता, फिर भी मैं आपको 30 सेकंड दे देता हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि यूपीए ने भी बहुत अच्छे से काम किया है, और गठबंधन की रही एनडीए की गठबंधन की बात रही तो बार बार जेडीयू एनडीए की गठबंधन से बाहर जाने की बात करती रहती है, बार बार विरोधी सुर उछालती रहती है, लेकिन हमने देखा था वो यूपीए की सरकार भी देखी कि निर्णय नहीं ले पा रही थी, शायद इसीलिए देश की जनता ने एक बार फिर एक ही दल को निर्वाचित किया। बहरहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देखिए ये मेल जिस तरह से बोल रहे हैं कि बेमेल मेल है, कितना असरकारक होगा ये तो आगे भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन पहले भी ये मेल मुलाकात हुई, गठजोड़ हुआ, लगातार गठजोड़ होता रहा है, लेकिन असर नहीं दिखता उसका। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने गठबंधन किया था लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो उनने सोच रखा था। अब देश में गठबंधन हो रहा है, ये गठबंधन कितना मोदी से मुकाबला कर पाएगा और कितनी चुनौती दे पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।